गुड मॉर्निंग किड्स, आज हम करेंगे दिस बुक, हमारी जो मैथ्स की वर्कशीट बुक है, वर्क बुक है, इसको ओपन करेंगे। एंड अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ अबाउ और बिलो। ओके, अबाउ और बिलो के बारे में हमें फाइंड करना है। फर्स्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, आपको इन ऑब्जेक्ट्स को देखना है। फिर हमारे पास ये लाइन्स हैं, यहाँ लाइन्स है, पॉइंट्स दे रखे हैं और उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसको हमें फिल करना है। ओके, तो फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है, देखो एक सर्कल बना हुआ है, दिस इज सर्कल एंड इसके नीचे एक लाइन बनी हुई है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सर्कल का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, ए जो है इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, द सर्कल इज फिलिंग द ब्लैंक्स द लाइन, द सर्कल इज अबाउ या बिलो इज द लाइन। ये क्या, किस लाइन, लाइन के बिलो है या अबाव है, टेल मी। अबाव है ना, तो हम अबाव लिखेंगे यहां पर, क्या लिखेंगे, अबाव, अबाव द लाइन। बोलो द सर्कल इज अबाव द लाइन। ओके, नेक्स्ट है हमारा, द मून इज द क्लाउड, द मून इज द क्लाउड। अब ये मून और क्लाउड है यहाँ पर, तो द मून इज अबाउ द क्लाउड या बिलो द क्लाउड, बिलो द क्लाउड ना, अब मून बिलो नीचे है ना इसके, तो क्या आएगा यहाँ पर, बिलो। बिलो द क्लाउड। ओके, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, द टर्टल इज द शिप, शिप एंड टर्टल है, जो टर्टल कहाँ है, शिप के डाउन में है या अप में है, शिप के डाउन में है ना, अबाव में है या बिलो में है, बिलो में है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, बिलो, द टर्टल इज बिलो द शिप, द टर्टल इज बिलो द शिप, जो टर्टल है वो बिलो है शिप के। ओके, नेक्स्ट है, द स्पाइडर इज द विंडो, स्पाइडर विंडो के अबाव है या बिलो है, अबाव है ना, बिलो तो नहीं है, अबाव है, अप में है, डाउन में नहीं है, तो अबाव है, तो क्या लिखेंगे, द स्पाइडर इज अबाव द विंडो। ऐसे आपको ये सब कंप्लीट करनी है शीट। ओके, अबाव और बिलो के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारा नियर एंड फार, नियर एंड फार में फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, सर्कल द ट्री दैट इज नियर द बिग हाउस, नियर द बिग हाउस, हमें सर्कल करना है एक बिग वाले हाउस के पास में जो ट्री है उसको, और फिर क्या लिखा है, एंड क्रॉस द ट्री दैट इज फार फॉर इट, एंड क्रॉस द ट्री दैट इज फार फॉर ट्री, जो फार है उसको हमें क्या करना है, क्रॉस करना है। अब ये देखो बिग सा हाउस है, इसके पास जो ट्री है इसको तो हमें क्या करना है, सर्कल, जो नियर है उसको करना है सर्कल, फिर है क्रॉस द ट्री दैट इज फार फॉर इट, जो फार है उसके, जो दूर है वो ट्री, उसको क्या करना है, क्रॉस करना है ऐसे। ओके, ऐसे आपको ये कंप्लीट करना है। नेक्स्ट देखो ये क्या लिखा हुआ है, लुक एट द पिक्चर एंड राइट नियर फार फॉर द पिकॉक, जो ये पिकॉक है इसके नियर कौन है और फार कौन है, हमें वो फाइंड करना है। तो पिकॉक के नियर कौन है, स्पैरो है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्पैरो, स्पैरो, स्पैरो की स्पेलिंग आनी चाहिए आपको SPARROW, स्पैरो इज नियर, स्पैरो नियर है पिकॉक के, बट क्रो, दिस इज क्रो, ये क्रो है ना, तो यहाँ लिखेंगे CROW, क्रो, CROW, क्रो इज फार, क्रो इज फार, स्पैरो इज नियर बट क्रो इज फार, स्पैरो इज नियर बट क्रो इज फार, ऐसे आपको ये पूरा फाइंड करना है और इसको कंप्लीट करना है। ओके, ऐसे आपको अबाउट बिलो करना है, फिर नियर एंड फार करना है, यहाँ पे हाउस के पे सर्कल करना है, देन आपको यहाँ पर स्पैरो और क्रो में फाइंड आउट करना है कि कौन नियर है कौन फार है, ऐसे आपको ये शीट कंप्लीट करनी है। ओके।